रुक जाओ युवराज। खबरदार युवराज, इस घर की दहलीज के अंदर एक कदम भी मत रखना। सरस्वती, मैंने कहा था ना, युवराज इस घर का बेटा है, वो इस घर में आएगा। आपकी हर बात मंजूर है मुझे माँ, लेकिन इस कातिल के साथ इस घर में रहना मुझे मंजूर नहीं। अगर वो सच्चे दिल से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाह रहा हो तो क्या तुम लोग उसे युवराज के प्रायश्चित करने से बापू जी वापस आ जाएंगे? अगर ये हमारे बापू जी को वापस नहीं ला सकता तो इसे इस घर में आने का कोई हक नहीं। यह फैसला तुम लोग नहीं करोगे। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि युवराज इस घर में आएगा तो वो जरूर आएगा। युवराज यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बंद करो ये नाटक युवराज। भले ही माँ और छोटी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, हम बहनों की नजरों में तुम गुनहगार थे, गुनहगार हो और हमेशा सिर्फ एक गुनहगार रहोगे। इस घर की हर तकलीफ, हर दुख, हर आंसू की वजह तुम हो युवराज। आपकी कई हर बात सही है दीदी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं अपनी हर गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगा। तो अभी इसी वक्त इस घर से दफा हो जा। जाओ युवराज। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम है। जाइए माँ, इस घर में खूनी की आरती मत कीजिए माँ। माँ ये क्या कर रही हैं आप? एक ऐसे इंसान की आरती कैसे उतार सकती हैं जिसने आपसे आपका सुहाग छीना है? हाँ माँ, क्या आपको उसके चेहरे में बापूजी की मौत दिखाई नहीं दे रही? मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने इस घर का बेटा खड़ा है जिसकी मेनका बेन को बहुत जरूरत है। ये इस घर का बेटा नहीं है माँ, ये गुनहगार है, कातिल है। मैं ऐसा नहीं मानती, इसीलिए तुम लोगों को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं युवराज को इस घर से नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, हम आपके इस फैसले में शामिल नहीं हैं। हाँ माँ, आपकी ये खुशियां आपको ही मुबारक हो। मैं जानती हूँ युवराज, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने अपनी गलतियों की वजह से इन बहनों के दिलों में नफरत पैदा की है, लेकिन अब तुम्हें अच्छा बनना होगा। अच्छा बनकर तुम्हें इनके दिलों को जीतना होगा युवराज। Thank you.
जीते रहो। बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आपने क्या हालत बना ली अपनी? क्या हो गया आपको? बस बेटा, तू आ गया है ना, अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस तू आ गया बेटा। आप आराम करो मामा, आराम करो मामा। सच में मामा, मैंने आपको बड़ी माँ को बहुत तकलीफ दी है ना। अपनी गलतियों की माफी कितनी बार मांगेगा तू? कितनी बार? अगर आज तू इस घर में है, हम सबके सामने है, हम सबके साथ है, तो कहीं ना कहीं तेरे बापूजी ने तुझे माफ कर दिया। अब बीती बातों को याद करके खुद को कसूरवार कहने की कोई जरूरत नहीं। जहां भगवान खुद नहीं जा सकते ना, वहां वो मां को भेज देते जो हर दुख, हर तकलीफ, हर आंसू को बच्चे की खुशी में बदल देती है। बहुत बुरा हूं मैं बहुत बुरा हूं। नहीं युवराज, मेरा बेटा बुरा हो ही नहीं सकता, बुरा नहीं है। मैं यहीं रहूंगा।
सावित्रीबाई, सावित्रीबाई मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन गुस्से में आकर मैंने क्या कुछ नहीं कहा आपसे। आपने अपने बेटियों के खिलाफ जाकर मुझे मेरा बेटा दिया और मैंने क्या सोचकर आपको ये सब। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भूल जाइए जो कुछ भी हुआ है। युवराज हमारे बीच है ना, तो हम सब मिलकर पहले की तरह हंसी खुशी से रहेंगे। लेकिन बेटियां, आप उनकी चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए और आराम कीजिए। युवराज तुम जाओ अपनी बेटी प्रतीक्षा से मिल लो, उस बेचारे ने अभी तक तुम्हें देखा भी नहीं है। जाओ बेटा। माँ ने ये अच्छा नहीं किया, उस खूनी युवराज को इस घर में लाकर उन्होंने बापूजी का अपमान किया है। आज युवराज आया है, कल को उसके पीछे झूठे आंसू बहाते वो पवित्र आ जाएगी। माँ को भले ही उनके नाटक न समझ आए, लेकिन हम उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ और छोटी माँ ने अपनी ममता के आगे युवराज की सारी गलतियों को भुला दिया है, लेकिन मेरी नजरों में वो सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार है और कुछ नहीं। आओ गौरी। यह है तुम्हारा नया कैबिन और तुम हमारी कंपनी की नई असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तुम इस पोस्ट की पूरी पूरी हकदार हो। थैंक यू सो मच मैम। मुझे खुशी है गौरी कि तुम्हें मेरा फैसला पसंद आया। दिल लगाकर काम करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। मॉम, ये क्या हो रहा है? आपने गौरी को कंपनी का असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। मैंने जो भी किया है आकाश, ठीक किया है। लेकिन मॉम। आकाश प्लीज, ये मत भूलो कि ये सारा बिजनेस मैंने शुरू किया है। एक कमरे की ऑफिस से इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक मैंने इस बिजनेस को पहुंचाया है अपनी मेहनत से। मेहनती और ईमानदार लोगों की परख है मुझे और गौरी उन लोगों में से एक है। मेहनत और ईमानदारी सब कुछ नहीं होती, टैलेंट नाम की चीज होती है, जो कि गौरी में तुमसे भी ज्यादा है। देखो आकाश, इस बारे में अब मैं और कोई बहस नहीं चाहती। मैंने गौरी को वही पोस्ट दी है जो वो डिजर्व करती है। और आकाश, तुम लोगों की तरक्की देखने के बजाय कंपनी की तरक्की के बारे में सोचो, दैट बी बेटर। चश्मा छाप बहन जी की वजह से मॉम ने आज मुझे ताना मारा, इससे तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं पापा बनने वाला हूँ। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी नहीं थी। मैं राज, धीरे। तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। अब मेरा और युवराज का डिवोर्स हो चुका है और हमारे बीच में कोई रिश्ता बचा नहीं है और ना ही इस बच्चे का युवराज के साथ। नियति,
सकती मुझे पता है। मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा होगा। आज मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगने आया हूं। गुनहगार हूं मैं इस घर का, प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसे भी इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है? कितने दिन हो गए और मैंने अपनी बच्ची की सूरत भी नहीं देखी। एक बार भी इसे गोदी में उठाकर प्यार नहीं किया, पर अब मैं अपनी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा और इस बच्ची को बताऊंगा कि मैं ही इसका पापा हूं। युवराज, तुम्हारा अब मुझसे या मेरे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। कुछ नहीं लगते हो तुम हमारे। अच्छा यही होगा कि तुम हमसे दूर रहो। मैं अपनी बच्ची को अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारा साया भी इस पर पड़ने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कल को जब हम बाहर निकले तो दुनिया वाले मेरी बच्ची को एक अपराधी की बेटी बुलाए। एक इंसान जो अपने पिता का कत्ल कर सकता है वो कभी अच्छा पिता नहीं बन सकता। युवराज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, भले ही तुम इस घर का हिस्सा बनकर रहो, लेकिन खबरदार, जो मेरे या मेरी बच्ची के आसपास भी आने की कोशिश की। हर गुनाह की एक सजा होती है और हर सजा की एक उम्र। लेकिन मेरे गुनाहों की सजा भुगतने के लिए शायद मेरी उम्र भी कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ पापा। लेकिन घर में हर कोई मुझे अपराधी की नजर से देख रहा है, कोई मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं। सरस्वती दीदी नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में आऊं। नियति मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती। पापा, मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास है? अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं उनसे कि वो मुझे माफ कर दे, वो मुझे माफ कर दे। युवराज के ये आंसू सच्चे हैं, उसका पश्चाताप भी सच्चा है। काश मेरी बेटियां युवराज का ये चेहरा देख लेते, वो इसे जरूर माफ करती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल युवराज अपनी बहनों के दिलों में अपने लिए जगह जरूर बनाएगा। चलो तो बैठ। क्या बात है बुआ, आज इतना स्पेशल खाना, कोई खास बात है क्या? मुझे नहीं पता, ये सारा खाना तो सावित्री भाभी ने बनाया है, उन्हीं से पूछ लो। भाभी,
आज खाना बहुत अच्छा बना है। ये खाना युवराज के घर आने की खुशी में बनाया है। युवराज, तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है मैंने, आराम से बैठो और खा लो। बैठो। सरस्वती, इस तरह खाने का अनादर नहीं करते। मैं खाने का अनादर नहीं कर रही माँ, लेकिन एक खूनी के साथ बैठ के खाना खाना मुझे मंजूर नहीं। जहाँ युवराज रहेगा वहां हम नहीं रहेंगे, और रही बात खाने की तो अपने कमरे में खाना खा लेंगे। चलो